70 रुपीज वेज थाली, वो भी अनलिमिटेड, 7-8 आइटम दिया हुआ है। मतलब हाथ देने के साथ साथ देखिए देखिए ये देखिए एकदम मक्खन की तरह, आप लोगों को दिखा देता हूँ, मक्खन की तरह ये खोल गई है। आपको जब तक पेट जब तक भर जाए तब तक आप खाइए। थाली का 30 रुपीज़ है। 30 रुपीज़ सो जिसमें 3 रोटी, तो जिसमें कि 2 पीस मटन है, और इसका जैसे कि बताया है रेट 89 मुड़ी घंटो ना। जो भैया आप यहाँ पे रेगुलर खाते हैं? रेगुलर खाते हैं भैया, रेगुलर खाते हैं। भैया कैसे खाते हैं दिल्ली इधर का? सो अभी जो मैंने थाली देखा जो जिसमें आप मुड़ी घंटा से लेकर कम से कम यहाँ पे 7-8 आइटम दिया हुआ है, तो आप मतलब ये भेज थाली 70 रुपीज में चलाते कैसे हैं? टोटल मेंटेन करते हैं, मेंटेन कर रहे हैं ना, तो ये आपको हैट्स ऑफ है। मतलब इतना कम रेट में आप दे रहे हैं, सही में बहुत बढ़िया है। लेकिन आदमी को खा के थोड़ा अच्छा लगता है, ये सेटिस्फाई लगता है। यहाँ जो सही कोई तो 50 में भी देता है जैसे कि है, तो नहीं नहीं यहाँ में मैंने जो देखा है काफ़ी सारा सामान है, और जैसे कि आलू का भी इसमें भी होता है, और जो बैगन का भी एक आइटम होता है वो तो अगर ख़त्म हो गया तो और भी काफ़ी सारा है। पापड़ है, भाजी है, चटनी भी, चटनी है, 6-7 पत्ती अभी मिलते ही नहीं है, पत्ती मिलनी नहीं हो रहा है, साथ में अब मुड़ी घंटो भी दिया है, तो ये बहुत बढ़िया है। तेल भी है बहुत बढ़िया, वो आइटम भी है एक्स्ट्रा है वो। अच्छा, एक्स्ट्रा कोई राइस लेता है तो उसमें आप नहीं? कोई 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 बजट नहीं इसमें, कोई मतलब जैसे कि कोई अमाउंट नहीं है। अच्छा, मतलब एक्स्ट्रा राइस अगर चाहिए तो खा सकते हैं। अच्छा, उनको चाहिए तो एक्स्ट्रा करके कोई कोई होटल जैसे चार्ज करता है 10 रुपीज़। दाल का भी नहीं है, फ्राई कैंड में कुछ भाजी को कुछ नहीं है। आपको जब तक पेट जब तक भर जाए तब तक आप खाइए। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे मछली फ्राई है, और यहाँ पे दीदी अपने हाथों से बना रहे। दीदी थोड़ा आपका फेस दिखाइए, तो दीदी बना रहे। राजू भाई ये जो अभी आप रोटी दिया है तो इसका प्राइस क्या है? थाली का ये थाली का 30 रुपीज़ है। 30 रुपीज़ तो जिसमें 3 रोटी, 3 रोटी आपको सब्जी मिलेगा, सब्जी मिलेगा, मिलेगा चटनी मिलेगा, अचार मिलेगा, प्याज आपका जो भी है जो भी है वो आपको मिलेगा। और आपका जो ये होटल है जी, कितना बजे से कितना बजे तक खुला रहता है? सुबह 9 बजे हार्डली, अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, 9 बजे स्टार्ट हो जाता है। अभी वो जैसे कि मार्केट देखे हम लोग को मतलब जैसे कि बिजनेस होता है मार्केट, जैसे कि आपका 11 भी होता है, कभी 12 भी होता है, 12 भी होता है, कभी 1 भी हो जाता है, इस तरह का होता है। कि टाइम टेबल नहीं है, सीजन बाई जाए। कितना बजे लगभग बंद होता है? 12 तक सोच लीजिए, 12 गर्मी का दिन है, हाँ गर्मी का 12 1 भी हो जाता है। और हफ्ता में कौन सा दिन आपका बंद रहता है? मेरा तो एक्चुअली संडे बंद रहता है, संडे आपका बंद रहता है, संडे है क्योंकि मेरा इधर में जरा ऑफिशियल जितना भी स्टाफ है वो मेरे ये भी खाते हैं, तो उनको भी छुट्टी मिलता था, मेरे भी छुट्टी। और आपका लोकेशन बता दीजिए। पूर्णिमा नियर एफेक्ट बैंक अपोजिट साइड मिनी होटल उचामंडी। अभी आप बताइए आपका जो फिश करी और चिकन और मटन के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। फिश जो है आप फ्राई मिलेगा आपको, लोकल मिलेगा, चाहे मतलब जो बाहर का है चलानी मिलेगा आपका, जो लोकल है वो रेट जब से आपका रेट प्लेट होता है, और जो चलानी है वो एक ही रेट होता है, और चिकन भी होता है, मटन भी होता है। बता दीजिए जैसे कि रेट हो गया आपका 50-60 है फ्राई फ्राई का, जो 70 भी है फ्राई का, और इसे आपका अगर झोल में लेते हैं तो ग्रेवी में लेते हैं तो उनको 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, 70 रुपीज़ ऐसे ही कुछ है। फिश के ऊपर बात होती है, फिश के ऊपर बात होती है, तो प्राइस अप डाउन होता है फिश में, फिश में प्राइस हमेशा अप डाउन होता है, तो हाँ ये बहुत हाई होता जाता है, ये तो अच्छा सामान है, इसका थोड़ा रेट अप डाउन होता है। चिकन चिकन भी बनते हैं, मटन भी बनते हैं, चिकन का आपका जैसे कि 1/4 का 2 पीस मिलेगा आपको 50 से 50 रुपीज़, और मटन लेंगे तो वो भी रेट वाइज है, कभी 90 भी होता है, कभी 100 भी होता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन रहता है। कितना पीस लेते हैं? दो दो पीस रहता है, क्वार्टर बोल के बोलते हैं हम लोग, 2 पीस का चिकन का 2 पीस का 50 रुपये, अगर मटन लेंगे 2 पीस का वो भी आपका 100 रुपीज़, 90 रुपीज़ समथिंग ऐसा ही कुछ है। मटन के ऊपर बात है, मटन के क्योंकि 500 के भी मटन मिलता है, 600 के भी मिलता है, 700 के भी मिलता है मटन, डिपेंड करता है उस दिन में। मैं अगर लेकर आऊँ 500 का तो मैं आपको 80 में भी दे सकता हूँ, क्वालिटी मेंटेन करता हूँ, क्वालिटी मेंटेन। और यहाँ पे जो है मेरा दोस्त का देखिए दीदी है, दीदी यहाँ पे चटनी दे रहा है, और यहाँ पे दोस्त का मम्मी भी है, मम्मी उधर में रोटी बना रहे हैं, तो फुल्ली। और दोस्त मैं आप लोगों को एक बता देता हूँ कि दोस्त जो है वो भी यहीं पे खाना खाकर
रात को खाना वगैरह खाकर एक बार में सोने जाता है, दोपहर का भी खाना इसी में खाता है। क्वालिटी जो है आपको, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलता। नहीं, क्वालिटी में नहीं मिलता। ये मैं मेंटेन करके चलता हूं, क्योंकि ऑफिशियल यहां पे ऑफिशियली है ना, जैसे कि बैंक वगैरह जो मैनेजर वगैरह जो भी है, स्टाफ वगैरह, वो अलग अलग जगह का होता है, तो उस तरह का खा के उसको मतलब सेटिस्फाई मिलता है। और यहाँ पे टोटल आपको मिलेगा 8 सीट, देखिए 8 सीटर है, तो छोटा सा प्यारा सा है। सो बाबू तुम्हारा रोटी आ गया है, और ये देखिए दोस्तों साथ में एक क्वार्टर, तो जिसमें कि 2 पीस मटन है, और इसका जैसे कि बताया है रेट 80, 90, 100 डिपेंडिंग अपन मटन का रेट अप डाउन के ऊपर आपको मिल जाएगा। और ये है यहाँ पे रोटी, रोटी 3 पीस दिया जाता है। मैंने मेरा दोस्त को बोला है कि बाबू के लिए पहले 2 पीस दो, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर 1 पीस लेगा। इसके साथ आपके लिए आलू भाजी है और साथ में सब्जी है। तो बाबू शुरू करो, आप देखिए पहले ही मटन ना, इसका सॉफ्टनेस देखिए, मटन एकदम गर्मा गर्म है, तो अभी थोड़ा मटन डू मुंह में डालकर देखो कैसा लग रहा है। सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी है। अब रोटी सॉफ्ट है, रोटी सॉफ्ट है और एकदम घर में जैसा बनाता है वैसा टेस्ट है। घर में जैसा वैसा ही तो बनेगा, क्योंकि यहाँ में तो राजीव अंकल का मम्मी बना रहा है ना, दादी बना रहा है, इसलिए घर का जैसा है। तो जैसे कि दोस्तों मैं बता रहा था कि यहाँ पे आपको होटल नहीं मिलेगा, घर जैसा मिलेगा, तो वही बात है। और दीदी बाहर में नज़ारा देख रहा है, दीदी आपका खाना हो गया और आंटी का खाना हो गया? मैं तो खाई नहीं, आंटी भी खाई नहीं अभी। तो आप बोला अभी हो गया है, खाना बनाना हो गया मेरा, बनाना हो गया, खाए नाश्ता हो गया, नाश्ता हो गया। चलो तो अब मैं भी बैठता हूँ धीरे धीरे, ठीक है? तो तुम थोड़ा खाना तो लगा दो, ठीक है? मैं खाना ले लेता हूँ। और भाई, हाँ भाई, तो खाने पे बैठे हो? हाँ भाई। और थाली लगाया क्या? हाँ, दोस्त का है तो उसको स्पेशली बोला भाई, मुझे थोड़ा सा रोटी और मटन खाना है। हाँ जी, तो वही मटन और रोटी ले लिया है जी। और ये सब्जी भाजी कहाँ गया है? अरे भाई दोस्त का दुकान है तो मेनली मटन पे ही अटैक करना था, तो उसका बोला है कि भाई सब्जी और भाजी जो है वो भाई आप ले जाओ, हमको सिर्फ मेन चीज दे दो, मटन दे दो, और गर्मा गर्म रोटी एकदम आंटी ने बना कर दिया है, बस दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। चिकन का यार दिखाओ यार, ये चिकन नहीं है दोस्त, ये है मटन, एकदम मटन है ना, गर्मा गर्म मटन है, और इसका सॉफ्टनेस देखिए दोस्तों, है ना, एकदम देखिए, मतलब हाथ देने के साथ साथ देखिए देखिए ये देखिए, एकदम मक्खन की तरह, आप लोगों को दिखा देता हूँ, मक्खन की तरह ये खोल गई है। सो मटन दिखाई दे रहा है ना, मटन एकदम बढ़िया, एकदम फैंटास्टिक है। तो चलिए अब एक बाइट लेकर दिखाते हैं, थोड़ा टेस्ट करके दिखाया जाए। चलो भाई, यहाँ से पूरा दुकान का मालिक तो भाई साहब कहाँ गया? दुकान का भाई साहब होगा इधर उधर, वो मेरा ही दोस्त कोई है, कोई है दुकान पे, तो कोई है ना ओनर? हाँ हाँ, भीतर में दीदी। और भाई कैसा लग रहा है खाना? बढ़िया है ना, टेस्टी है ना? हाँ। चलो ठीक है, घर का खाना जैसा लग रहा है ना? हाँ, मम्मी को जाके बताओगे? आज होटल पे खाया था, एक अंकल के दुकान पे खाया था, राजू अंकल पापा के का दुकान पे, पापा का दोस्त राजू अंकल के दुकान पे, फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, दुकान पे खाए थे, कैसा लगा? इसे भी बढ़िया खिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलो ठीक, और कुछ लागे चाहिए तुम मुझे बताना, ठीक है? यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा आलू, मीट, और साथ में प्याज, और इसको मैं एक बाइट बनाकर ले लेता हूँ, थोड़ा सा उसका ग्रेवी भी ले लेता है। अरे प्याज निकल गया फिर से। चलो भाई, मीट जो है रियली देने के साथ साथ गल गया है, बढ़िया है ना, फैंटास्टिक मीट है। और मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये होटल नहीं है, होटल जितना बार भी मेरा दोस्त बोल रहा है, ये घर है, आपको घर जैसा खाना मिलेगा, एकदम पूरा, एकदम जैसे हम लोग घर में खाना खाते हैं,
एकदम बढ़िया से इसमें आपको टेस्ट मिलेगा। चलिए खाना फटाफट खत्म कर दे, रोटी खाइए, बाद में रिव्यू देते हैं आपको। इसके बाद आप हमको बताइए मुझे सारा टेस्ट कैसा लगा। जरूर जरूर। मैं थोड़ा आंटी लोग से बात कर लेता हूँ। आंटी और दीदी से बात कर लीजिए। दीदी आपने खाना बनाया बड़े बढ़िया बनाया दीदी, आप कहाँ से सिखाई ये वीडियो, मतलब जैसे कि खाना बनाना? मैं तो घर से ही सीखी हूँ। बचपन से मतलब सीखी हुई है ना? अच्छा अच्छा, इसके बराबर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। और ये दादी, ओह मम्मी, आप रोटी बना रहे हो, आपके रोटी के बारे में तो सारा गुनगाते हैं इधर, सारा है ना, यहाँ पर बोलते हैं आदमी लोग यहाँ। दादी का रोटी खा के देखो, उसके बाद पता चलेगा घर का रोटी और दादी का रोटी। ये है मेरा छोटा सा दुकान, मेरा ये मेरा दुकान, ये मेरा बोर्ड है मीनू होटल, ये मेरा लोकेशन है, ये एपेक्स बैंक है, इधर आपका असम ग्रामीण प्रकाश बैंक भी है, आप देख सकते हैं। आज ईद है, थोड़ा बाजार तो समय भी कम है। अच्छा लगा भाई, ना मुड़ी घंटा खाना रोटी दो, कोनो फ्राइड है नहीं भी नथिंग नो चाहिए भाई, जो चाहिए था मैंने ले लिया। तो दोस्तों हम लोग का खाना पीना सब एक साथ हो गया है और हम लोग को तो बहुत ही अच्छा लगा, तो आप लोग एक बार जरूर यहाँ पर आकर ट्राई कीजिएगा। 70 रुपीज़ वेज थाली, वो भी अनलिमिटेड, तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए यहाँ पे। और बाकी थैंक्स, आइए थाली खाइए, जरूर जवाब दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सो बाय बाय।